Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health, guys. So today's यूट्यूब card is talk about a famous chef or cookbook author whom you admire. तो so यहाँ पर हमने एक ऐसे chef के बारे में बताना जो बहुत ज़्यादा famous है या ऐसे किसी author के बारे में जिन्होंने कोई cooking के related book लिखी है जिसको आप बहुत ज़्यादा admire करते हैं And सब cues are who is he? तो यहाँ पर हमने बताना कि ये इंसान कौन कौन से chef हैं ये Next is what does he do? तो यहाँ पर हमें बताना कि वो क्या करते हैं

शेफ़ हैं जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ और उन उनके बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा द फेमस शेफ़ आई एडमायर इज़ मिस्टर रणवीर बराड ही इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ़ हु रन्ज अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस ही प्लेज द रोल ऑफ अ जज इन वेज कुकरी शोज़ लाइक मास्टर शेफ इंडिया तो यहाँ पर हमने बताया कि जिनको मैं एडमायर करता हूँ उनका नाम है रणवीर बराड और वो एक सेलिब्रिटी शेफ़ है जिनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और वो काफ़ी जो कुकरी शोज हैं उनमें जज भी बनते हैं खासकर यहाँ पर हमने मेंशन किया है एक शो है मास्टर शेफ इंडिया जिसमें वो जज का रोल प्ले करते हैं मोर ओवर ही इज़ ऑलसो एन ऑथर एंड हैज़ रिटन न्यूमिस बुक्स ऑन इंडियन क्वीन्स तो यहाँ पर हमने बताया कि वो एक ऑथर भी हैं जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है Lastly, तो हैं रिगार्डिंग इंडियन क्वीन्स लास्टली हिज गुड लुक्स हैव हेल्प्ड हिम ट्राई हिज हैंड एट एक्टिंग तो यहाँ पर हमने बताया कि लास्टली क्या उनकी जो लुक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं तो उन्होंने अपने जो एक्टिंग में भी अपना करियर बनाने की कोशिश की है ट्राई की है एक्टिंग करने की भी आई एडमायर हिम फॉर मैनी रीजन्स तो आगे हम बताएँगे हम उनको एडमायर क्यों करते हैं फर्स्टली ही इज़ अनलाइक अदर सेलब्रटी शेफ्स हु शोज द लॉर्ड ऑफ एटीट्यूड वाई एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस तो यहाँ पर हमने बताया कि वो बाकी शेफ्स जो बाकी सेलिब्रिटी शेफ्स हैं उनकी तरह नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है जब अपनी ये ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं ही एड ए हम्बल बिगिनिंग एंड दैट्स वाई ही ऑलवेज अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द कंटेस्टेंट्स तो यहाँ पर हम बताए कि उनकी जो बैकग्राउंड वो काफ़ी हम्बल रही है सो so, वो हमेशा अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों की जो कंटेस्टेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी पेन को समझते हैं उनकी सिचुएशन को भी समझते हैं काफ़ी अच्छे से सेकंडली हिज़ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज़ कुकिंग आइडियाज़ इज़ यूनिक तो सेकंडली क्या उनके जो कुकिंग uh, आइडियाज़ है उनको बहुत ही यूनिक तरीके से एक्सप्रेस अच्छा भी करते हैं हिज टॉक्स मेक द कुकिंग शोज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग तो यहाँ पर हम तय कि उनके जो ड्यूरिंग द शो जो जो उनके टॉकिंग होते हैं जैसे वो बोलते हैं वो बहुत ही अच्छे से बताते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं ही डिस्क्राइब्स इट्स ओरिजिन एंड डिफरेंट कुकिंग मैथड्स वैन एवर ही कुक्स एंड एंड डेलीकेसी तो यहाँ पर हमने बताया कि जो भी वो चीज़ कुक कर रहे थे उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताते हैं उसके कुकिंग मैथड को बताते हैं उसके ओरिजिन को भी बताते हैं बिफोर वॉिंग हिज शो आई यूज़ टू डिसक कुकिंग बेस्ड प्रोग्राम्स ऑन टी वी बट आफ्टर वॉचिंग हिज परफॉर्मेंस माई इंटरेस्ट इन वॉचिंग कुंग शोज हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली तो यहाँ पर हमने बताया कि पहले मेरा ज़्यादा कोई शो जो कुकरी बेस्ड शोज होते थे प्रोग्राम्स होते थे टी वी शोज उनमें मेरा खास कोई इंटरेस्ट नहीं था बट जब मैंने इनको देखा रणबीर बराड़ को उनकी परफॉर्मेंस को देखा तो मेरा काफ़ी सारे शो में जो कुकरी शो होते हैं उनमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया अपार्ट फ्राम दिस ही इज़ ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग एंड टेंस टू हेल्प एनी वन इन नीड तो यहाँ पर हम बताएंगे इसके अलावा क्या है कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है जब भी किसी को ज़रूरत होती उनकी है उनकी हेल्प वो ज़रूर करते हैं ही इम्प्लॉज मैनी पीपल एंड हिज इम्प्लॉयज़ कॉल हिम अ वंडरफुल पर्सन तो यहाँ पर हमने बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को काम दिया जितने भी उनके इंप्लाइज हैं वो सारे उनको कहते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो लास्टली ही टेंस टू थिंक बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू दोना वायरस पेंडेमिक ही अपलिफ्टिड पीपल्स मूड बाई टेलिंग दैम टू फोकस ऑन टास्क दे कु नॉट डू ड्यू टू द स्किटी ऑफ टाइम अर्लियर लाइक कुकिंग तो यहाँ पर हमने बताया कि इसके अलावा क्या वो कन्वेंशनल डोमेन से हट के थोड़ा लोगों से अलग थोड़ा सोचते हैं और ड्यूरिंग द जब लॉकडाउन था लॉकडाउन का टाइम था क्योंकि कोरोना वायरस था तो उस टाइम में उन्होंने लोगों का मूड भी अपलिफ्ट किया उनको बताया कि वो कुकिंग पे ध्यान दे जब उन चीज़ों पे ध्यान दे जो हम पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है दिस इनिशिएटिव लेट टू अ पैराडाइम शिफ्ट इन द थिंकिंग ऑफ मैनी एंड दे इजिल पास दे लेजर टाइम बाई लर्निंग न्यू स्किल्स तो यहाँ पर हम जाएगी इस चीज़ ने लोगों को काफ़ी हेल्प की क्योंकि लोगों ने फिर नई चीज़ें उस अपने फ्री टाइम में काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ों को सीखा सो दैट सेट गाइज ये था हमारा सैम्प प्लान रिगार्डिंग दिस क्यूकर आई होप ये आपको अच्छा लगेगा सो बिफोर यू एक्स द वीडियो कर प्लीज है सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फोरगेटेट टू शेयर दिस वीडियो एंड आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन टिल दैन टेक केयर एंड गो लक फॉर प्रिपरेशन गाइड थैंक यू